गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। सीएम जयराम ठाकुर के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का लगा तांता। विधायक ई पोर्टल और आईजीएमसी में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की हुई शुरुआत। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। 11 जनवरी से होगी अगली सुनवाई। बेनतीजा रही है अब तक की बातचीत। पशुपालन मंत्री ने कहा, प्रदेशवासियों को बर्ड फ्लू संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं, सरकार मुस्तैद। और बारिश, बर्फबारी और सर्द हवाओं से कांपा हिमाचल। नमस्कार, आपका स्वागत है द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 56वां जन्मदिन सीएम आवास ओक ओवर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित अनेक नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और 56 किलो का केक काटा गया। इस अवसर पर विधायक ई पोर्टल और आईजीएमसी में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की शुरुआत भी की गई। हिमाचल मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में सुबह से ही सीएम जयराम ठाकुर को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग मौजूद रहे। इस मौके पर 56 किलो का केक भी काटा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते भद्रमस्तु। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, वन मंत्री राकेश पठानिया समेत अन्य मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों को उनके जन्मदिन पर बधाई देने और 3 वर्ष के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि प्रदेश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहे और विकास के नए आयाम स्थापित हो। प्रदेशवासियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद स्नेह हमको प्राप्त हुआ है इस जीवन में, और मैं यही कहूँगा कि जीवन प्रदेशवासियों के लिए समर्पित है। उनकी सेवा में हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकें, ऐसा ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके लिए हमको जो है हमेशा जो है वो प्रेरणा दे। सीएम जयराम ठाकुर को बधाई संदेश में पीएम मोदी ने दीर्घायु और हिमाचल के विकास की शुभकामनाएं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुभकामना संदेश भेजे। इस अवसर पर विधायक ई पोर्टल की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से विधायकों का जनता से सीधा संपर्क किया जा सकेगा, तकनीक के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा और जनता सीधे अपने चुने हुए प्रतिनिधि तक अपनी बात पहुंचा सकेगी। खासतौर से इस कोविड के संकट में टेक्निक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जितने भी कार्यक्रम दुनिया से देश से जुड़ने के कार्यक्रम जो है वर्चुअल कार्यक्रम तकनीक के माध्यम से संभव हो पाए हैं, और उस दृष्टि से हम चाहते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और भी टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल करें जो उनके काम को बेहतर कर सकती है। उस दृष्टि से इस पोर्टल का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने के लिए प्रदेश में 4 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं। कोविड की वैक्सीन आ गई है और जल्द ही लोगों तक इसे पहुंचाया जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही महामारी से निजात मिल जाएगी। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल हमने 4 जगह हिमाचल प्रदेश में तय किए हैं, और उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में खासतौर से इस कोविड के संकट में लोगों को हम बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा दे सकें, उनका इलाज कर सकें, उस दृष्टि से ये निर्णय लिया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कोविड अगर समाप्त होने की दिशा में जहाँ आगे बढ़ रहा है, यह हमारे लिए खुशी की बात है। वैक्सीन भी आ रही है, आ चुकी है, और उसका बहुत जल्दी जो है उसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में भी शुरू होने वाली है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये गतिरोध समाप्त होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम सोमवार यानी 11 जनवरी को कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर सुनवाई करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ अब भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान ज्यों के त्यों डटे हुए हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर 7 चरणों की बातचीत का अब तक कोई भी परिणाम सामने नहीं आ सका है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि उम्मीद है कि गतिरोध जल्द समाप्त होगा। बता दें कि नए कृषि कानूनों की वैधता को लेकर कुछ वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम सोमवार यानी 11 जनवरी को कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर सुनवाई करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम किसानों से बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष इस मामले पर सहमत हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम चाहते हैं कि बातचीत हो। हिमाचल सरकार में पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बर्ड फ्लू संक्रमण को लेकर कहा कि प्रदेशवासियों को इस बात को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और हर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो बर्ड फ्लू संक्रमण के लिए देश में पहले से ही तय मानकों के हिसाब से होने चाहिए। पशुपालन मंत्री ने कहा है कि कांगड़ा के पोंग बांध क्षेत्र में हर साल लाखों की तादाद में विदेशी पक्षी आते हैं और इस साल भी यह पक्षी सीमा पार से प्रदेश में आए हैं, लेकिन किसी वजह से इनमें ऐसा संक्रमण हुआ है जिसके चलते 2000 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है। मरने वाले पक्षियों में सबसे अधिक साइबेरियन हेडेड गीज प्रजाति के पक्षी हैं। इनकी मौत के बाद प्रशासन अलर्ट पर है और पोंग बांध क्षेत्र के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह की गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कांगड़ा जिले के 4 उपमंडलों में चिकन, फिश और अंडे के कारोबार और व्यापार को भी पूरी तरह से बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कई दिनों से अन्य प्रदेशों से ये सूचनाएं मिल रही थी कि वहाँ पर ऐसा एवियन फ्लू जो है वो डिटेक्ट हुआ है और ये विशेषकर जो विदेशी जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, उनमें जो है वो पाया जा रहा है। लेकिन कई जगह जो है वो ये कौओं में भी जो है ये पाया गया है। तो पिछले दिनों पोंग डैम में ऐसे 14 प्रवासी पक्षी मिले जिनके तुरंत विभाग ने जो है वो सैंपल उठाए और उनको जलंधर में अपनी एक लैब में जो है वो भेजा और वहाँ से पॉजिटिव आने के बाद उसके सेकंड ओपिनियन के लिए जो है वो इनको भोपाल की लैब में जो है उसको तुरंत वहाँ पर भेजा गया। वहाँ से भी ये पॉजिटिव पाए गए। सरकार ने तुरंत से एक टास्क फोर्स डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में जो है वो बनाई जिसमें वाइल्ड लाइफ के लोग और एनिमल हस्बेंड्री, सीडब्ल्यूडी, हेल्थ, ये सभी विभागों के लोगों के साथ जो है वो इस टास्क फोर्स को जो है वो बनाया गया और 1 किलोमीटर के एरिया को प्रतिबंधित एरिया जो है वो तुरंत से जो है वो घोषित कर दिया और 9 किलोमीटर का जो एरिया है उसको सर्विलेंस के ऊपर रखा गया। पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो इस बीमारी के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जिलाधीश कांगड़ा इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो इसके लिए गाइडलाइन के हिसाब से जो कि भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मैनुअल ऐसे संक्रमण के लिए पहले तय है उसके हिसाब से संक्रमित पक्षियों की पहचान करेंगे और जो पक्षी संक्रमित पाए गए हैं उनके इलाज का भी इंतजाम करेंगे। उधर शिमला चिकन मार्केट में विक्रेताओं की इस बाबत मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसके अलावा जिन पक्षियों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है उन पक्षियों को भी प्रोटोकॉल के हिसाब से दफनाया जा रहा है। वन्य प्राणी विभाग और पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को PPE किट सहित प्रोटोकॉल के हिसाब से काम पर लगाया गया है। अभी तो हमारी बोली पट्टा भी नहीं हुआ और शेर में बहुत फर्क पड़ गया। सरकार से मांग रखते हैं उपाय किया जाए। कमी कोई नहीं है, बढ़िया कारोबार चल रहा है। बर्ड फ्लू से हमारे को कोई ऐसा लगता नहीं है कि हमारे पास कुछ फर्क पड़ा है। जो न्यूज़ आ रही है उससे थोड़ा बहुत 1-2% तो लगता ही है। अभी तक हमारे को सरकार की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। हमारा जो चिकन आ रहा है नॉन वेज हमें मिल रहा है, स्लॉटर हाउस में प्रॉपर चेकिंग होती है उसके बाद ही हमें आता है।
हम बेचना तभी बंद कर सकते हैं जब हमें कोई गवर्नमेंट से प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले, और हमें इसे बंद करने में कोई ना ही प्रॉब्लम है और हम पूरा सरकार का सहयोग करेंगे। और अब मौसम का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार सुबह से ही मौसम पूरी तरह खराब बना रहा। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में देर रात से ही रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी रहा, जिससे प्रदेश में शीतलहर जारी है। इससे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आने से शीतलहर तेज हो गई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है। वहीं राजधानी शिमला सहित मैदानी क्षेत्रों में दिन भर बारिश होती रही, कई स्थानों पर बिजली भी गुल रही। मौसम विभाग ने 9 जनवरी से राज्य भर में मौसम के साफ होने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों के दौरान कल्पा में 18, खदराला में 15, सुमदो व पूह में 5, मोरंग में 4, शिलारू और केलांग में 3 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। बर्फबारी के कारण 110 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़ गए हैं। उधर शिमला जिला के खड़ापत्थर व चांशल में भी हिमपात हुआ है। कुफरी में भी बर्फ गिरी है। शिमला शहर में भी मौसम बर्फबारी के अनुकूल बना हुआ है। यहां गत 27 दिसंबर को सीजन का पहला हिमपात हुआ था। मौसम के इस मिजाज से पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शिमला का अधिकतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश व बर्फबारी हो रही है। अगले 24 घंटों में भी यह दौर चलता रहेगा। 7 जनवरी को मौसम के साफ होने का अनुमान है, जबकि 8 जनवरी को फिर राज्य में बारिश व बर्फबारी होगी। 9 से 11 जनवरी तक समूचे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश और स्नोफॉल हुई। सबसे ज्यादा स्नोफॉल डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में रही। कल्पा में लगभग 71 सेंटीमीटर, जो करीब 2.5 फुट के करीब जो स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया, और साथ में ही जो कुफरी है वहाँ पे भी स्नोफॉल पिछले 24 घंटों में हुआ, 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड हुआ। बाकी हिमाचल प्रदेश के खड़ापत्थर नारकंडा जो स्थान थे वहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ। अभी जो WD का फैक्टर कम रहेगा, आज हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाके हैं स्कैटर्ड प्लेसों पे ही बारिश हो सकती है, जहाँ ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल हो सकती है। अभी भी जो ऊपर के इलाके हैं जिसमें जो लाहौल स्पीति का इलाका है, रोहतांग पास का एरिया, वहाँ पे जो स्नोफॉल हो रही, लाइट स्नोफॉल हो रही है, और उसके बाद कल से जो WD का इफेक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो मौसम साफ रहेगा, लेकिन क्योंकि पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश या हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल हुई है, उसकी वजह से कल को धूप निकलने के बाद कहीं थंडर एक्टिविटी हो सकती है, अदरवाइज जो मौसम साफ रहेगा। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी 8 तारीख को, लेकिन उसका भी कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। एक दो स्थानों पे ही जो हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके होंगे वहाँ पे कहीं लाइट हिमपात हो सकता है, जहाँ क्लाउडीनेस रहेगी, अदरवाइज जो मौसम है बाकी इलाकों में ड्राई रहेगा। 9 तारीख से लगातार जो मौसम है वो अगले एक हफ्ते तक ड्राई ही रहने की पॉसिबिलिटी। इधर मौसम की करवट ने एक तरफ सैलानियों के लिए उत्सुकता बढ़ा दी है, तो वहीं सड़कों पर गाड़ियों के पहिए भी रुकने शुरू हो गए हैं। विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के कारण बहुत जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक बुधवार को भी प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। ताज़ा हिमपात और बारिश से नेशनल हाईवे जलोड़ी जोत, रोहतांग पास, NH 305, स्टेट हाईवे लाहौल स्पीति समेत 322 छोटी बड़ी सड़कें बंद हो गई हैं। सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में 177, शिमला में 83 और किन्नौर में 48 सड़कें बंद हैं। अटल टनल रोहतांग मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद रही। सीमा सड़क संगठन ने मनाली से अटल टनल मार्ग से बर्फ हटाने का काम फिलहाल रोक दिया है। बर्फबारी और मूसलाधार बारिश से पूरे प्रदेश में शीतलहर ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी है। ताजा हिमपात के बाद मंगलवार देर शाम कुफरी, नारकंडा, खड़ापत्थर और खिड़की में यातायात ठप हो गया है। मंगलवार को सुबह से बारिश का क्रम जारी रहा और दोपहर बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 शिमला रामपुर नारकंडा के पास दोपहर 1 बजे रास्ता बंद हो गया। इसके बाद रामपुर और रिकांगपियो के लिए बस सेवा वाया बसंतपुर चलाई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स।